हमारे चैनल हिंदुस्तान केयर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से देखेंगे लाभ हानि के ट्रिकी क्वेश्चन के एक और तीसरी टाइप की क्वेश्चन। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। एक दुकानदार है पी जो किसी वस्तु को 10% के लाभ पर क्यू को और क्यू 15% के लाभ पर वह वस्तु को आर को बेचता है एवं आर 25% के लाभ पर समान वस्तु को एस को बेचता है। यदि उस वस्तु के लिए 1265 अदा करता है यदि उस वस्तु के लिए एस 1265 अदा करता है तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को कम समय में हल करने के लिए हम निम्न विधि का प्रयोग करेंगे। तो वो विधि कौन सा है, आइए देखते हैं। पी क्या कर रहा है, पी किसी वस्तु को बेच रहा है कितने परसेंट लाभ पर, 10% लाभ पर क्यू को, और क्यू उसे बेच रहा है 15% के लाभ पर आर को, और आर उसे बेच रहा है 25% के लाभ पर एस को, और एस देता है इसके लिए 1265 रुपये। तो माना वस्तु का प्रारंभिक मूल्य एक्स है। तो मान लेते हैं एक्स है, तो इसको एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, और 110 गुना 115 करते हैं, लेकिन इसे कैसे करते हैं उसे देखने के लिए 100 में 10/100 ये हो गया एक, फिर गुना है 100 में 15% है तो 100 का 15%, और फिर गुना 100+100 का 25%। अब इसे हम करते हैं तो x हो जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 10 इसमें जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 110/100 कर देना है, और फिर 115/100 और 125/100 और आ रहा है कितना, 1265 रुपया लास्ट अदायगी है। अब हम इसे इधर भेज देते हैं तो x का मान निकल जाएगा 1265 गुना 100/110 100/115 और 100/125। अब हम इसे कटाएंगे तो कैसे कटेगा, तो पहले देखते हैं। पहले 1 0 से 1 0 कटाते हैं और 11 से कटाते हैं इसको, तो एक बार में, फिर एक और फिर 5, 115 से 115 कट गया। अब 25 से 25 25 125 और 25 6 100 और 5 2 10 4 2 8 और x का मान हो गया 800। तो इस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या हो गया, 800। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इसी विधि से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिकी क्वेश्चन के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।